आज की वीडियो ट्यूटोरियल नंबर 12 है। आज हम ये वाला क्रोशिया पैटर्न सीखेंगे। किसी भी स्वेटर, जैकेट और शॉल में ये क्रोशिया पैटर्न बहुत ही अच्छा लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कोमल और मेरे चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमें जितनी लंबी डिजाइन बनानी है हम उतनी चेन बना लेंगे। मैंने यहाँ पे 24 चेन बनाया है। अब सभी चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, ये मैंने पहला डबल क्रोशिया बनाया, पहला डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में अपनी क्रोशिया हुक को इंसर्ट किया और ये मैंने दूसरा डबल क्रोशिया बना लिया। इस तरह से हम सभी चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में लाइन थर्ड में हमें सबसे पहले 5 चेन बनाना है। 5 चेन, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये हमने 5 चेन बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे कहते हैं लूप लेना। ये हमने पहला लूप लिया। इसी तरह से हमें 4 लूप एक साथ लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 4 लूप हमें एक साथ लेने हैं। अब हमें फर्स्ट 3 चेन को स्किप करके 4th चेन में अपनी क्रोशिया हुक को इंसर्ट करना है। 1, 2, 3, ये 4th चेन में हम अपनी क्रोशिया हुक को इंसर्ट करेंगे और धागे को फंसा के बाहर की ओर लाएंगे। ये देखिए कितने सारे लूप हो गए हमारे क्रोशिया हुक में। अब हम क्रोशिया हुक में धागे को फंसाएंगे और 2 लूप को एक साथ निकाल देंगे। फिर से हम यही प्रोसेस करेंगे, धागे को फंसाएंगे क्रोशिया हुक में और 2 लूप एक साथ निकाल देंगे। इस तरह से हम तब तक 2-2 लूप एक साथ निकालते जाएंगे जब तक हमारी क्रोशिया हुक में 1 लूप बचे, कुछ इस तरह से। अब हम फिर से अपनी क्रोशिया हुक में 4 लूप एक साथ लेंगे। 3 और ये 4, 4 लूप हमने एक साथ ले लिया क्रोशिया हुक में। देखिए इस वाले चेन में हमने वर्क किया है। नेक्स्ट चेन में हम अपनी क्रोशिया हुक को इंसर्ट करेंगे और धागे को खींचते हुए बाहर की ओर लाएंगे। फिर से ढेर सारे लूप हो गए हमारी क्रोशिया हुक में। अब हम धागे को फंसा के 2 लूप का 1 लूप करेंगे। ये हो गया 1, फिर से 2 लूप का 1 लूप करेंगे। ये हो गया 2, फिर से करेंगे 3, फिर से 2 लूप का 1 लूप करेंगे। ये हो गया 4 और फिर से ये हो गया 5। हम फिर से अपनी क्रोशिया हुक में 4 लूप एक साथ लेंगे। ये हमने 4 लूप एक साथ ले लिया। ये देखिए इस चेन में हमने वर्क किया है। नेक्स्ट चेन में अपनी क्रोशिया हुक को इंसर्ट करेंगे और धागे को खींचते हुए बाहर लाएंगे। फिर सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। अपनी क्रोशिया हुक में धागे को फंसाना है और 2 लूप एक साथ निकाल देना है। फिर से क्रोशिया हुक को धागे में फंसाना है और 2 लूप एक साथ निकाल देना है। इस तरह से हमें तब तक करना है जब तक हमारी क्रोशिया हुक में 1 लूप ना बच जाए। अब हमें फिर से अपनी क्रोशिया हुक में 4 लूप एक साथ लेना है। और ये देखिए, ये जो हमने 3 चेन पहले स्किप किया था उसके फर्स्ट चेन में, ये फर्स्ट चेन में हमें अपनी क्रोशिया हुक को इंसर्ट करना है और धागे को फंसा के बाहर की ओर लाना है। हमारी क्रोशिया हुक में फिर से ढेर सारे लूप हो गए। अब हमें फिर से धागे को फंसाना है और 2 लूप एक साथ निकाल देना। दूसरी बार फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। फिर से हम तीसरी बार सेम प्रोसेस करेंगे। चौथी बार फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। पाँचवीं बार फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। जब तक हमारी क्रोशिया हुक में 1 लूप ना बच जाए हम धागे को फंसा के 2 लूप एक साथ निकालते रहेंगे। अब हम फिर से अपनी क्रोशिया हुक में 4 लूप एक साथ लेंगे। ये देखिए, हमने 3 चेन जो स्किप किया था, पहले चेन में हमने वर्क कर लिया है। सेकंड चेन में अपनी क्रोशिया हुक को इंसर्ट करेंगे और धागे को फंसा के बाहर की ओर लाएंगे। ढेर सारे लूप हमारे क्रोशिया हुक में फिर से आ गए। अब हम फिर से धागे को फंसाएंगे और 2 लूप एक साथ निकाल देंगे। पहला हुआ ये, फिर से हम धागे को फंसाएंगे, 2 लूप एक साथ निकाल देंगे। दूसरा हुआ, फिर से यही प्रोसेस करेंगे। ये हुआ तीसरा,
फिर से करेंगे ये प्रोसेस तो ये हुआ चौथा, फिर से ये प्रोसेस करेंगे तो ये हुआ पांचवा। ये देखिए हमारी डिजाइन बनने लगी। अब हम फिर से अपनी क्रोशिया हुक में चार लूप एक साथ लेंगे और ये जो तीन चेन हमने स्किप किया था तो तीसरे चेन में हम अपनी क्रोशिया हुक को इंसर्ट करेंगे और धागे को फंसा के बाहर की ओर लाएंगे। फिर से हम धागे को फंसाएंगे और दो लूप एक साथ निकाल देंगे। ये हुआ पहला, फिर से दो लूप एक साथ निकालेंगे, दूसरा, ये हुआ तीसरा और ये हुआ चौथा और ये हुआ पांचवा। इस तरह से तीसरे स्किप चेन को भी हमने कंप्लीट किया तो कुछ इस तरह की डिजाइन उभर के सामने आई। देखिए अगले स्टेप में हम फिर से चार लूप अपने क्रोशिया हुक में लेंगे, 1 2 3 4 लूप हमने एक साथ ले लिया अपनी क्रोशिया हुक में। इस चेन तक हमने वर्क किया है, नेक्स्ट थ्री चेन हम स्किप कर देंगे और फोर्थ चेन में अपनी क्रोशिया हुक को इंसर्ट करेंगे और धागे को फंसा के बाहर की ओर लाएंगे। फिर से हम धागे को फंसाएंगे और दो लूप एक साथ निकाल लेंगे। ये हुआ फर्स्ट, फिर से धागे को फंसाएंगे और दो लूप एक साथ निकाल लेंगे। ये हुआ सेकंड, फिर से यही काम करेंगे। ये हुआ थर्ड, फिर से करेंगे। ये हुआ फोर्थ, फिर से हम धागे को फंसा के दो लूप का एक लूप कर देंगे। ये हुआ फिफ्थ। नेक्स्ट हमें फिर से अपनी क्रोशिया हुक में चार लूप एक साथ लेना है और देखिए यहाँ पे हमने वर्क किया है, इसके नेक्स्ट चेन में अपनी क्रोशिया हुक को इंसर्ट करना है और फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करना है। नेक्स्ट हमें फिर से अपनी क्रोशिया हुक में चार लूप एक साथ लेना है और जिस चेन में हमने वर्क किया है उसके नेक्स्ट चेन में अपनी क्रोशिया हुक को इंसर्ट करके धागे को फंसा के बाहर की ओर लाना है और सेम प्रोसेस रिपीट करना है। नेक्स्ट हमें फिर से अपनी क्रोशिया हुक में चार लूप एक साथ लेना है। फिर देखिए ये जो हमने तीन चेन छोड़ा था उसके फर्स्ट चेन में अपनी क्रोशिया हुक को इंसर्ट करना है और धागे को फंसा के बाहर की ओर लाना है। फिर हम धागे को फंसा के दो लूप एक साथ निकाल लेंगे। इस तरह से हमें तब तक करना है जब तक हमारी क्रोशिया हुक में एक लूप ना बच जाए। ये देखिए ये कैसा डिजाइन बनना शुरू हो गया। अब हम फिर से क्रोशिया हुक में चार लूप एक साथ लेंगे और जो तीन चेन हमने स्किप किया था उसके फर्स्ट चेन में तो हमने वर्क कर लिया है, सेकंड चेन में हम अपनी क्रोशिया हुक को इंसर्ट करेंगे और धागे को फंसा के बाहर की ओर लाएंगे और फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। नेक्स्ट हमें फिर से अपने क्रोशिया हुक में चार लूप एक साथ लेना है और जो हमने तीन चेन स्किप किया था उसके दो चेन में हमने वर्क कर लिया है, ये तीसरे चेन में अपनी क्रोशिया हुक को इंसर्ट करेंगे और धागे को फंसा के बाहर की ओर लाएंगे। फिर से धागे को फंसाएंगे और दो लूप एक साथ निकाल लेंगे। इस तरह से हम तब तक करेंगे जब तक हमारी क्रोशिया हुक में एक लूप ना बच जाए। अब देखिए कुछ इस तरह का डिजाइन उभर के सामने आ रहा है, तीन लेयर ऐसे क्रॉस करते हुए बना है, ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। इस तरह से हम ये लाइन पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। हमने लाइन कंप्लीट कर ली है, ये देखिए कितना सुंदर डिजाइन उभर के सामने आया है। अब नेक्स्ट लाइन शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमें 5 चेन बनाना है, 3 4 और ये हुआ 5। 5 चेन हमने बना लिया। अब हम अपनी क्रोशिया हुक में 4 लूप एक साथ लेंगे। शुरुआत के 3 चेन हमें स्किप करना होगा, 1 2 3 और चौथे चेन में हम अपनी क्रोशिया हुक को इंसर्ट करेंगे और धागे को फंसा के बाहर की ओर लेके आएंगे। फिर से धागे को फंसाएंगे और दो लूप एक साथ निकाल लेंगे। इस तरह से हमें तब तक करना है जब तक हमारी क्रोशिया हुक में एक लूप ना बच जाए।
फिर से हम क्रोशिया हुक में चार लूप एक साथ लेंगे और नेक्स्ट चेन में अपनी क्रोशिया हुक को इंसर्ट करके सेम प्रोसेस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर से प्रेस कर ले, जिससे मेरी वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। नेक्स्ट हमें अपनी क्रोशिया हुक में फिर से फोर लूप एक साथ लेना है। हमने फोर लूप ले लिया, जिस चेन में हमने वर्क किया है उसके नेक्स्ट चेन में हम अपनी क्रोशिया हुक को इंसर्ट करेंगे और धागे को खींचते हुए बाहर की ओर लाएंगे। और फिर से सेम वही प्रोसेस करना है, हमें धागे को क्रोशिया हुक में फंसाना है और दो लूप एक साथ निकाल लेना है, इस तरह से जब तक हमारे क्रोशिया हुक में एक लूप ना बच जाए। ये देखिए, कुछ इस तरह की डिज़ाइन उभर के सामने आई। अब हम फिर से अपनी क्रोशिया हुक में चार लूप एक साथ लेंगे और ये हमने तीन चेन स्किप किया था उसके फर्स्ट चेन में अपनी क्रोशिया हुक को इंसर्ट करके धागे को खींचते हुए बाहर की ओर लाएंगे और सेम प्रोसेस करेंगे। धागे को फंसाना है और दो लूप एक साथ निकाल लेना है तब तक जब तक हमारी क्रोशिया हुक में एक लूप ना बच जाए। ये देखिए, कुछ इस तरह से क्रॉस का डिज़ाइन बन गया। फिर से हम अपनी क्रोशिया हुक में चार लूप एक साथ लेंगे और जिस चेन में हमने वर्क किया है उसके नेक्स्ट चेन में जिसे हमने स्किप किया था उसमें अपनी क्रोशिया हुक को इंसर्ट करना है और सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करना है। अब हम फिर से अपनी क्रोशिया हुक में फोर लूप एक साथ लेंगे और जो तीन चेन हमने स्किप किया था उसके लास्ट के तीसरे चेन में अपनी क्रोशिया हुक को इंसर्ट करेंगे, क्योंकि दो चेन में हमने वर्क पहले ही कर लिया है तो तीसरे चेन में लास्ट चेन में हम फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो कुछ इस तरह से डिज़ाइन उभर के सामने आई। ये देखिए, इस तरह से हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। चार लूप एक साथ लेंगे अपनी क्रोशिया हुक में, तीन चेन छोड़ने के बाद चौथे चेन में अपनी क्रोशिया हुक को इंसर्ट करेंगे। ये वन टू थ्री, थ्री चेन हम छोड़ देंगे, चौथे चेन में अपनी क्रोशिया हुक को इंसर्ट करेंगे और धागे को फंसा के बाहर की ओर लाएंगे, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। हमें पहले वाला सेम प्रोसेस रिपीट करना है। इस तरह से हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लाइन कंप्लीट होने पे कितना सुंदर डिज़ाइन उभर के सामने आया है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।